जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु इंटेक 01/2025 ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल साइट जो ज्ञान.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपको इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, कितनी वैकेंसी है और आपको क्या एप्लीकेशन फीस पे करनी है, फॉर्म आप यहां पर कौन सी डेट तक भर पाएंगे, ये सब जानकारी आपको यहां पर चेक करने को मिलेगी। एंड ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आने के बाद में आपने चाहे इसमें पहले कभी कोई भी फॉर्म भरा है, आपको नया अकाउंट बनाना होगा, तो आप क्लिक हियर टू रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है, एंड देन आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर यहां पर आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल दोनों पर ओटीपी जाएंगे। पहले ईमेल वाला ओटीपी डालिए, फिर मोबाइल वाला, उसके बाद में कैप्चा कोड डालिए एंड देन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और आपको यहां पर एक ईमेल के माध्यम से एक जनरेटेड पासवर्ड सेंड किया है। अब आप यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में अभी जो आपने ईमेल आईडी रजिस्टर की है वो यहां पर डालिए, जो पासवर्ड अभी आपको मिला है ईमेल और मैसेज के माध्यम से वो यहां पर डालिए, एक कैप्चा कोड फिल कीजिए एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहां पर आपके सामने पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आएगा। अब आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड बनाना है, जिसका जो एक एग्जांपल है वो मैं आपको यहां पर देख करके दिखाता हूं। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कम से कम एक कैपिटल लेटर, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, कम से कम एक स्मॉल लेटर, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का इस्तेमाल करना है और पासवर्ड की लेंथ 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये जो कैप्चा कोड आपके सामने यहां पर आया है, ये कैप्चा कोड आपको यहां पर फिल करना है। इसको फिल करने के बाद में गाइज आपको रिसेट माई पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड रिसेट हो चुका है। अभी आप यहां से ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहां पर सभी जानकारी चेक करने के बाद में इनके ऊपर टिक करना और कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहां पर आपकी अन्य इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि नाम आप यहां पर आपका ऑलरेडी भर चुके हैं, आप इसको अभी भी यहां पर अगर कुछ चेंज करना चाहते तो कर सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको यहां पर फादर नेम एंटर करना है, फिर आपको मदर नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद में आपको यहां पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन गाइज यहां पर आपको बताना है कि आर यू सर्विंग एनसीई ऑफ आईएएफ, अगर हां तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपको यहां पर आपका जो मेरिटल स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। अब आपको यहां पर सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आया है, तो आप कौन सी क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, 12वीं पास से, 3 ईयर डिप्लोमा से या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स से, तो जिस भी क्वालिफिकेशन से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं उसी के ऊपर आप यहां पर टिक करेंगे। फिर आपके सामने एक सवाल आता है कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास 10+2, यानी कि 12वीं के अंदर आपने 12वीं आपने क्या पास कर ली है, और आपने जो आपकी 12वीं है वो 50% के साथ में पास की है, और साथ ही आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर भी 50% थे, तो आपको यहां पर उसका आंसर यस नो में करना है। जैसे कि मेरे थे, मैंने यस किया। यस करने के बाद कुछ और सवाल आते हैं कि हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ, क्या आपने फिजिक्स और मैथ को पास किया है सब्जेक्ट को, अगर हाँ तो यस। जैसे कि मैंने यस किया। यस करने के बाद में आपको 10+2 का स्ट्रीम बताना है कि आर्ट से किया है, साइंस से किया है या कॉमर्स से, जिससे भी किया वही आप टिक कर देंगे। कैटेगरी अप्लाइंग फॉर, तो आपको बताना कि साइंस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट या फिर दोनों के लिए, तो जिसके लिए भी आप अप्लाई करें वही आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है, अगर आपका बोर्ड यहां पर है तो आप यहां से सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आपको यहां पर अदर का ऑप्शन देखने को मिल सकता है, पर यहां पर अदर का ऑप्शन कोई भी मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि आपको इन्हीं में से जो आपका बोर्ड है 12वीं का वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहां पर आप देखेंगे एंटर एग्रीगेट ग्रोस परसेंटेज मिनिमम 50% मैंडेटरी एज गिवन इन क्लास 10+2, तो आपको यहां पर आपकी 12वीं की परसेंटेज लिखनी है। अगर आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आपको उसको यहां पर एज 59 ही लिखना होगा, ना कि 60%, तो आपको यहां पर जो भी आपकी परसेंटेज है वो एंटर कर देनी है। और फिर आता है इंडिकेटिंग ग्रेडिंग सिस्टम एज पर मार्कशीट, तो किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज, सीजीपीए या फिर ग्रेड, तो मेरे परसेंटेज है, मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर आपको यहां पर आपके सब्जेक्ट वाइज नंबर बताने हैं, तो आपको इंग्लिश के अंदर कितने नंबर आए थे वो यहां पर डालना है, टोटल मार्क्स आपको यहां पर डाल देने हैं, मैथ में आपको
कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, बायोलॉजी में अगर आपके पास थी तो आपको कितने नंबर आए थे वो आपको बताना है। साथ ही साथ आप यहाँ पर इस तरह से जो आपके टोटल नंबर है वो भी एंटर कर देंगे। एंड देन फिर आता है सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज, तो सब्जेक्ट वाइज परसेंटेज आपकी क्या थी, यानी कि किस में आपको कितने आए थे। तो बेसिकली अगर 100 में से 94 आपको नंबर आए हैं तो आपकी परसेंटेज भी 94 ही रहेगी। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ये एंटर कर देना है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपसे पूछा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपको बेसिक है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस है, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। नहीं है तो आप नो भी कर सकते हैं। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर यस किया तो आपको बताना है कि कौन सी नॉलेज आपको है। इसके बाद गाइज आपसे पूछा कि डू यू हैव एनी एडिशनल मार्कशीट, अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि इंप्रूवमेंट आ जाती है तो फिर एडिशनल मार्कशीट मिलती है आपको, उसके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर डाला गया है। अब आता है हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप बताइए कि मैं परस्यू कर रहा हूँ, कंप्लीट कर चुका हूँ, डिसकंटिन्यू या फिर नॉट एप्लीकेबल। अगर आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करें तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आप परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे, परस्यूइंग का ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव है, देख सकते हैं आपके सामने। फिर आपको ये भी बताना होगा कि कौन सी क्वालिफिकेशन आप परस्यू कर रहे हैं, इंजीनियरिंग या फिर नॉन इंजीनियरिंग। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया तो फिर आपको उसका स्ट्रीम भी बताना है। अगर आप नहीं बताना चाहते तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर सेव करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिया है, जहां पर आपको बोला है फैच डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजीलॉकर, आपको डिजीलॉकर के माध्यम से यहाँ पर इसको फैच करने के लिए भी बोला है। अगर आपको डिजीलॉकर से फैच करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि डिजीलॉकर की वेबसाइट का सर्वर काफी डाउन रहता है, तो आप खुद से भी अपलोड कर सकते हैं। डिजीलॉकर से ही अपलोड करना कंपलसरी नहीं है, अगर कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ पर अपलोड कर दे। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहां पर आपके पास स्कैन कॉपी है आपके सर्टिफिकेट की, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आप ओपन करेंगे, फिर आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। आपको बोला है कि फाइल का साइज 50 से 150 KB के बीच में होना चाहिए, तो जहां पर आपकी फाइल है सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से ओपन कीजिए एंड देन इसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब आपको जो आपकी 12वीं का सर्टिफिकेट है वो सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। अब गाइज आप नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड गाइज नाउ आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस है, जो कि कम्युनिकेशन डिटेल का है। तो बेसिकली आपको आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो आपका हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, कॉलोनी है, लोकेलिटी है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन फिर यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट बतानी है अपनी। फिर आपको आपके विलेज टाउन का नाम एंटर करना है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको लिख देना है, आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर गाइज आता है आधार कार्ड नंबर, आपको बोला है कैंडिडेट्स आर टू कैरी दियर आधार कार्ड वैन कार्ड फॉर दी एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, असम, मेघालय एंड लद्दाख आर टू कैरी ए वैलिड फोटो आइडेंटी कार्ड इफ दे डोंट हैव आधार कार्ड। जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनको आधार कार्ड कैरी करना अनिवार्य नहीं है, अगर उनके पास नहीं है तो वो एक अन्य फोटो आईडी को कैरी करेंगे, बट अन्य स्टेट के कैंडिडेट के लिए यहां पर आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है। आप अपना आधार कार्ड नंबर यहां पर डालेंगे, फिर कम्युनिकेशन एड्रेस है, अगर आपका परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो फिर आप यहां पर टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको डोमिसाइल स्टेट यानी कि कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो आपको बताना है, और किस डिस्ट्रिक्ट के आप निवासी है वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। ये सेलेक्ट करने के बाद में गाइज यहां पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर एडिशनल डिटेल का ऑप्शन है, जहां पर आपको फिजिकल रिलेटेड जानकारी देनी है। तो यहां पर सबसे पहले एंटर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, बट जो प्राइवेट जगह होती है वहां पर वाला निशान मत बताइएगा। उसके अलावा जो आपके बॉडी पर कोई परमानेंट निशान है वो आप यहां पर बता सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कैंडिडेट हाइट, तो आपकी हाइट कितनी है वो आपको यहां पर सेंटीमीटर के अंदर बतानी है, और फिर आपको बतानी है आपकी चेस्ट का साइज कितना, ये भी आपको सेंटीमीटर के अंदर बतानी होगी। फिर आपको यहाँ पर आपकी वेस्ट का साइज बताना कि आपकी वेस्ट कितनी है, तो जितनी भी है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, और ये आपको सेंटीमीटर के अंदर ही बतानी है। इसके बाद में आपको शू साइज भी आपका बताना होगा एंड देन फिर गाइज नीचे आएंगे एडिशनल डिटेल में, जहाँ पर कुछ और सवाल पूछेगी कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद में क्या आप एक चिल्ड्रन है जो कि सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिक्रीज एयरफोर्स पर्सनल से है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे।
हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी इंडियन नेवी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको ड्राइविंग आती है, अगर आपको आती है तो आप यस करेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सी आती है, टू व्हीलर, LMV, HMV। LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल, HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल। अगर नहीं आती है तो आप नो करेंगे। डू यू हैव नॉलेज इन एनी ऑफ दी ट्रेड्स लाइक वेल्डिंग, सोल्जरिंग, लाठे वर्क एंड रिलेटेड वर्क, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आता है कि आपको नॉलेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी की, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर यस तो आपको बताना कि आपको कौन सी नॉलेज है, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल आता है कि क्या आपको कोई एनी अदर स्किल है जो कि आप देख सकते हैं, अचीवमेंट, वर्क एक्सपीरियंस, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आता है डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट और डिसिप्लिन, अगर आप एक स्पोर्ट्स खिलाड़ी है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यस करेंगे और आपका यहाँ पर बताएंगे कि किस लेवल पर आपने वो खेला है, नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। लैंग्वेज नोन, हिंदी इंग्लिश के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, अगर कोई आती है तो आप यस करेंगे और फिर उस लैंग्वेज को आपको यहां पर लिखना है। इसके अगर आपको नहीं आती तो आप नो कर दीजिएगा। मेडिकल हिस्ट्री अगर आपकी कोई है तो आप यहां पर एंटर कर देंगे, नहीं तो गाइज अब आपको सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहां पर फोटो एंड सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है, जो कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करता है जब आप अपना यह फॉर्म खुद से फिल करते हैं। तो मैं आपको यहां पर अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे इसको अपलोड करना है। तो पहले तो आपको जान लेना कि आपके फोटो का साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सेकंडली आपको, जैसे कि आपका पासपोर्ट फोटो है तो आपको उसको नाम देना है पासपोर्ट फोटोग्राफी, ये वाला जो कि बिल्कुल सेम टू सेम यहां पर आपको रखना है, बीच में ये जो हाइफन है ये भी लगाना होगा। फिर सिग्नेचर को सिग्नेचर का नाम देना, इसी तरह से थंब इंप्रेशन को थंब इंप्रेशन का नाम देना है। एंड जो आपका फोटो है वो इस तरह का होना चाहिए, जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं, आपको एक स्लेट पकड़नी है जिसमें कि आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, DOP लिखने के बाद में लिखना है कि किस डेट में आपने फोटो को लिया है, और वो डेट आपकी तभी की होनी चाहिए जिस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। तो आप यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के लिए मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूं और यहां से आपको इसको ओपन करना है, पर ये अपलोड नहीं हो पाएगा जब तक इसका जो फाइल का नेम है वो पासपोर्ट फोटोग्राफ न हो। इसके बाद आप यहां पर आपका स्कैंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर का फाइल है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद इस तरह से आएगा। अगर आपको कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन यानी कि इसको एडिट करना है, क्रॉप करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर आप यहां पर इसको प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा, तो आपका फोटो अपलोड होकर के इस तरह से आ जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहां पर थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, तो जहां पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे, एंड फिर यहां पर आपको कंटिन्यू टू इमेज करेक्शन इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको इस तरह से क्रॉप कर लेना है, एंड देन फिर प्रीव्यू इमेज के ऊपर क्लिक करके आप यहां पर इसको सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद में अगर सब कुछ सही हुआ तो आपका फोटो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक लाइव इमेज कैप्चर करना है, तो आप स्टार्ट कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका कैमरा चालू हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर इस तरह से पहले अलाउ कर देना है, और जो आपका कैमरा है इस तरह से कैप्चर करने के बाद में आपको ये जो आपको एक ब्लैक रेड यहाँ पर लाइन देखने को मिल रही है, इसके बीच में आपको आपका फेस एडजस्ट करना है, एंड देन फिर आपको कैप्चर इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है और अपना फोटो यहाँ पर रियल टाइम वाला कैप्चर करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि जो मैं यहाँ पर फोटो लाइव अपलोड कर रहा हूँ वो मैं यहाँ पर सही से अपलोड नहीं कर पा रहा है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जो फोटो यहाँ पर अपलोड किया है वो किसी और का किया है, क्योंकि मैं जब कोई भी फॉर्म भरता हूँ तो डेमो के लिए भरता हूँ और उसमें मैं अपना फोटो अपलोड नहीं करता, तो इस वजह से यहां पर जो उनका सिस्टम है वो मेरा रियल टाइम फोटो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं फोटो तो किसी और का अपलोड किया हूं बट जो रियल टाइम है वो मेरा फोटो है, तो ऐसे में वो यहां पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपको आगे का प्रोसेस अन्य वीडियो से दे रहा हूं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा सिटी सिलेक्शन आपको इसके बाद में कैसे करना है। तो आपके सामने जैसे आप फोटो अपलोड कर देंगे सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप यहां पर आपके सेंटर की प्रेफरेंस देंगे, पहले आपको आपकी स्टेट की प्रेफरेंस देनी है और फिर आपको आपकी सिटी की प्रेफरेंस देनी है। तो एक एक करके आप जहां पर चाहे आपकी सिटी प्रेफरेंस ले सकते हैं, एंड जैसे ही आप ये दे देंगे फिर उसके बाद में आपको ASC सिलेक्शन की प्रेफरेंस देनी है। पहले आप यहां पर आपकी जो ASC प्रेफरेंस फर्स्ट है वो देंगे, फिर आपको सेकंड देनी होगी, फिर थर्ड, तो इसी तरह से एक एक करके आप प्रेफरेंस दे देंगे। देन आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी आपने भरी है वो आप चेक करेंगे और डाउनलोड ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। यहां पर आपको आपका पैलेस लिखना है, कहां से आपने फॉर्म को भरा है, और फिर यहां पर टिक करने के बाद में आपको कंटिन्यू टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है, एंड देन गाइज यहां पर आप अपनी एप्लीकेशन फीस जैसे ही जमा कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपको अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट लेकर के रख लेना है, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।